हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी है मॉर्निंग का, सुबह का टाइम, और आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग तक का ही वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी ये वीडियो भी। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर अभी आए हो नए, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी सुबह का टाइम है, मैंने जैसा बताया, तो अभी सुबह नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी 10:30 बज गया है। तो मेरे सारे काम कंप्लीट हो गया है पूरा, और अब मैं बस ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। तो मैंने, मेरा सारे काम हो गए हैं, नहाना बहाना हो गया सब, और कपड़े भी धुल गए हैं, तो जो मैंने सूखने डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। तो सुबह सुबह अच्छा लगता है, बस इसी टाइम मुझे अच्छा लगता है, बाकी टाइम तो मैं पूरे दिन ऐसे ही चला जाता है। तो थोड़ा बहुत इसी टाइम पर मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। दिन भर कुछ ना कुछ काम रहते ही हैं सभी हाउसवाइफ के लिए, तो बस थोड़े थोड़े काम निकलते रहते हैं, तो वही मैं करती रहती हूँ। और अभी ना मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मशीन ना थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो वो चल नहीं रही है, तो मैं उसके लिए बैठी हूँ कि कब सुधरवाने जाऊँ, क्योंकि अगर मशीन सुधर जाएगी तो थोड़े बहुत और मेरे अच्छे काम हो जाएंगे, तो मैं कुछ भी बना लूँगी घर बैठे अभी, क्योंकि अभी मेरे पापड़ का काम नहीं चल रहा है ना, तो सोच रही हूँ कि यही काम कर लूँ घर बैठे। तो बस अभी यहाँ पर मेरे घर में तो गाड़ी नहीं, हम लोगों के पास नहीं है गाड़ी, तो मेरे मायके में है, तो मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ, पर उसके पास अभी टाइम नहीं है थोड़ा, तो उसने 2 दिन बाद बोला है, तो मैं चले जाऊँगी। और जहाँ भी मुझे जाना होता है ना, जैसे दूर दूर थोड़ा सा, तो मैं अपने भाई को ही लेकर जाती हूँ, छोटे वाले को। तो इस ऐसी जगहों पर ना थोड़ी गाड़ी से जाना पड़ता है, तो बस मैं भाई को लेकर चले जाऊँगी। और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मतलब नाश्ता, तो आज नाश्ते में बन रहा है पास्ता। एक सा नाम है ना, नाश्ता से पास्ता, तो मैं पास्ता बना रही हूँ। और पास्ता तो मैं बस यहाँ पर पानी चढ़ा दूँगी जब तक थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं नाश्ता बना ही रही थी कि मेरा भाई आ गया है, बड़ा वाला, मतलब मुझसे छोटा है, पर वो तो बस कुछ सामान लेकर आया हैगा, मेरी साड़ी वगैरह, मतलब जो रक्षाबंधन में दी थी मम्मी ने, और गुजिया वगैरह आ गई हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था मम्मी के यहाँ से आ जाती हैं, तो बस वो बाहर के बाहर देखे और चला गया, काम रहा उसको, तो बस देकर और चला गया। तो प्रसाद है, गुजिया है, और मेरी साड़ी है, तो कितना अच्छा लगता है ना जब मम्मी के यहाँ से कुछ आता है, तो कुछ मतलब बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी मतलब अचानक आया रहा, ऐसे कुछ पता नहीं रहा कि मम्मी भेज रही, और फोन भी नहीं की थी, तो अचानक से ले आया। और मैंने जो गुजिया बनाई थी ना, वो सच्ची में मतलब उतना टेस्टी नहीं लगते हैं जितने अच्छे मम्मी के लगते हैं। मैंने बनाए थे, पूरी कोशिश की थी कि अच्छे बनेंगे, इसलिए मैंने थोड़े से बनाए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि अच्छे नहीं लगेंगे, पता नहीं क्यों, थोड़ी मतलब शक्कर भी कम हो गई थी, और ऐसा टेस्ट नहीं था जैसा मम्मी के यहाँ से थे, तो बहुत अच्छे बने थे मम्मी के मेरे बिल्कुल भी, इसलिए मैं लड्डू और ये गुजिया नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे ना उनमें स्वाद नहीं आता जो स्वाद मम्मी के हाथ का रहता है। तो वैसे भी हर माँ का हाथ का खाना तो सभी को बहुत पसंद लगता है, चाहे वो कैसा भी बना दे, तो ये तो जाहिर सी बात है, मम्मी के हाथ का खाना सबको पसंद आता है। अब जैसे कि हमारा कार्तिक है, वो भी मेरे हाथ का कुछ भी दे दो तो उसको अच्छा लगेगा, मतलब अपनी अपनी माँ के हाथ का खाना सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया, और थोड़ा सा पानी गर्म हो गया था, कुनकुना सा, तो मैंने थोड़ा सा बाउल में निकाल लिया है। वो मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि थोड़ा सा गर्म पानी पीती रहती हूँ मैं,
तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी निकाल लिया है। और इसके बाद पास्ता मैं डाल दूँगी, तो पास्ता बॉईल होने तक पकाना है। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी सब्जियाँ थी तो वो मैंने काट ली हैं। मैंने आलू लिए हैं, दो ठो मीडियम साइज के आलू और एक बड़ी साइज की प्याज और दो टमाटर। तो टमाटर थोड़े गीले वाले थे, इस वजह से मतलब थोड़े नरम हो गए थे वो, तो दूसरे दिन नहीं चल पाते, इस वजह से मैंने दोनों ही काट लिए हैं। और महंगे हैं टमाटर इस समय, आप लोगों को पता ही होगा, पर ख़राब होने से अच्छा है कि इनको खा लिया जाए, तो इसलिए मैंने दोनों ही काट लिए, तो बड़े साइज़ के थे। और यहाँ पर हल्की सी प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। और सॉरी, मैं बताना भूल गई थी, पहले मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाला था, फिर उसके बाद मैंने प्याज डाली, फिर उसके बाद आलू डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ा सा पका लूँगी, फिर उसके बाद मैं टमाटर डालूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा सा भी गंदा हो जाता है ना, तो बस मैं पोंछने लगती हूँगी, चाहे गैस चल रही हो या नहीं, पता नहीं, तो थोड़ा सा भी हल्का सा तेल गिर जाता है तो मैं सोचती हूँ तुरंत के तुरंत पोंछ दो, तो ज़्यादा गंदी नहीं लगती किचन। और अब मैं नमक डाल दूँगी, क्योंकि नमक से थोड़ी जल्दी पक जाते हैंगे आलू प्याज और टमाटर। तो नमक मैंने थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि सॉस वगैरह डालेंगे ना, सॉस में नमक होता हैगा, इसलिए नमक ध्यान में रख के डालना है। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, यहाँ पर मैं टमाटर को सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा पका लूँगी। और उसके बाद ये पास्ता मसाला लिया है, तो ये मैं पास्ता मसाला इसमें डाल दूँगी। और पास्ता मसाला ये 5 रुपए वाले पाउच हैं, जो हर किराना स्टोर में मिल जाते हैंगे, तो मैं ये पाउच लेकर आ जाती हूँ, महीने के ले आती हूँ, जितने मुझे ज़रूरत होती है उतने ले लेती हूँ मैं। फिर यहाँ मैं पास्ता डाल दूँगी, पास्ता मैंने उसमें छना लिए थे। और इसके बाद मैं इसमें ये सॉस डाल दूँगी ऊपर से, और थोड़ा सा चिली सॉस डाल दूँगी। सॉस में मैंने पहले ही बताया था कि नमक होता ही है, तो ध्यान में रख के डालना है नमक, क्योंकि फिर नमक अगर तेज़ हो जाता है तो फिर खाना बिगड़ जाता है, तो इसलिए मैंने नमक कम डाला था। और अब इस अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए अब आप लोगों के सवालों के जवाब दे देती हूँ। एक कमेंट है, पर सवाल दो हैं। तो उन्होंने पूछा था कि मैंने चैनल कब से स्टार्ट किया था, तो सिस्टर बस अगले महीने, मतलब जो सितंबर है ना, उसके आधी डेट है, जो आधे महीने में ही मैंने स्टार्ट किया था। डेट मुझे याद नहीं है, पर मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था, तो एक साल होने वाला है, अगले महीने हो जाएगा। और जबकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुके हो, तो बस आप लोगों से बातें शेयर करना बनता है और ज़रूरी है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं तो फिर अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं, और आप लोग तो मेरी फैमिली की तरह हैं, तो प्लीज़ मुझे भी आप लोग अपनी फैमिली समझ लीजिए, और प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करिए मुझे भी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कशिश नाम क्यों रखा, तो मुझे कशिश नाम बहुत पसंद था, मुझे इसलिए पसंद है, तो कार्तिक के समय की बात है, तो जब वो हुआ भी नहीं था तभी की बात है, तो मैंने सोचा था अगर मुझे बेटी हुई तो मैं उसका नाम कशिश रखूँगी, क्योंकि पता नहीं मुझे शुरू से ही कशिश नाम बहुत पसंद था। आप लोग बता दीजिएगा कि कशिश का अर्थ क्या होता है, मुझे पता नहीं है, नहीं तो मैं वो भी बता देती आप लोगों को। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल का जवाब भी पता चल गया होगा और अच्छा लगा होगा आप लोगों को। बस इसी तरह कमेंट करते रहिए, और मेरे मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सवाल मतलब मुझे कमेंट किया और सवाल पूछे। आपको जो और भी अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो हम मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ, और अगर चैनल पर अभी आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।